आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर और आलू की इतनी टेस्टी सब्जी कि आप होटल और रेस्टोरेंट की मटर आलू की सब्जी भी खाना भूल जाओगे। इतनी टेस्टी ये सब्जी बनती है। अगर आप इस तरीके से मटर और आलू की सब्जी बनाओगे तो आप और सारे तरीके भूल जाओगे और ऐसे ही आप आलू और मटर की सब्जी बनाओगे। सबसे पहले अगर आपने होममेड रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी सब्जी बनाते हैं। ये देखिए मैंने कुछ आलू ले लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। अब इनको मैं छोटे छोटे पीसेज में काट लूंगी। अब ये देखिए मैंने सारे आलू को काट लिया है। अब हम छौंक की तैयारी करेंगे। मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। अब ये देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अब तेल देखिए हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम तेज पत्ते डाल देंगे दो। इसमें हम दालचीनी डाल देंगे। इसमें हम हाफ चम्मच जीरा डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से हम तड़कने देंगे। फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। देखिए मैंने दो प्याज लंबी लंबी काट ली थी, उसको हम इसमें डाल देंगे और इन प्याज को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस एक बार हिला देंगे इसको। और फिर इसमें हम मिर्च डाल देंगे। ये हरी मिर्च भी देखिए मैंने लंबी लंबी काट दी थी, वो इसमें हम डाल देंगे और उनको भी एक बार हम हिला देंगे। इसमें देखिए मैं हरा धनिया डाल दूंगी बारीक कटा हुआ और इनको भी हिलाएंगे एक बार हम। इसमें हम आलू डाल देंगे। ये देखिए इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आलू को हम ऐसे ही पकाएंगे और गैस मीडियम रखेंगे और नए तो इसको हमें ढकना है नहीं और कुछ, इसको हमें थोड़ी देर ऐसे ही पकाना है और बीच बीच में इसको हम हिलाते भी रहेंगे ताकि आलू इसमें लगे ना। हमें गैस को ज्यादा कम नहीं करना है, मीडियम रखना है। अब ये देखिए मैंने थोड़ी सी मटर ले ली है, इनको भी इसमें हम डाल लेंगे। थोड़ी सी और हम तैयारी कर लेते हैं सब्जी के लिए। अब ये देखिए थोड़े से मैंने लहसुन ले लिए हैं और एक मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसको मैं अदरक को बारीक बारीक काट दूंगी ताकि हमें पीसने में आसानी हो और इन अदरक और लहसुन को हम पीस लेंगे, एक बारीक साइज का हम पेस्ट बना लेंगे। अब ये देखिए अदरक लहसुन को पीस लिया है मैंने। अब हम ये मटर ले लेंगे और इसमें से थोड़ी सी मटर हम इसमें रख लेंगे। अब ये देखिए इसमें से थोड़ी सी मटर मैंने अलग से ले ली है और ये थोड़ी सी मैं अलग से रख दूंगी और इस मटर को भी लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ मैं अच्छे से पीस दूंगी, इसका भी एक हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मटर का भी मैंने एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब ये देखिए थोड़े से मैं काजू ले लूंगी, इनको मैंने धो लिया है और इनको भी हम अच्छे से पीस लेंगे, इसका भी एक हम पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए काजू लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो आप काजू के बिना भी ये सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन काजू से इसका एक थोड़ा सा क्रीमी से टेस्ट आ जाता है जो हम शादी ब्याह में पार्टी में जो आलू मटर की सब्जी खाते हैं बिल्कुल ऐसा ही इसका टेस्ट आता है। तो इसका भी हम इसको भी पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे हम। ये देखिए इसको भी मैंने पीस लिया और सबका मैंने एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है। आप चाहो तो इसको मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर इसी में पीसना पसंद करती हूँ क्योंकि इसका इस पे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे पेस्ट को। ये सारे पेस्ट को मैंने निकाल लिया, इसको हम साइड में रख देंगे। अब ये देखिए हमारे आलू भी हल्के हल्के पक गए हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक
इसको अच्छे से हम आलू में मिक्स कर देंगे। ये देखिए एक बार इसको मैं अच्छे से हिला दूंगी ताकि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब नमक को आलू में हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए ये मसाले हर किसी घर में मिल जाते हैं और इन्हीं मसालों से हम इतनी टेस्टी सब्जी बनाएंगे। ये देखिए मैंने 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च डाल लीजिए। अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, मसाले को अच्छे से आलू में हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम थोड़ी देर ढककर पकाएंगे और गैस को हम बिल्कुल कम कर देंगे और थोड़ी देर के लिए आलू को ऐसे ही पकाएंगे। अब ये देखिए थोड़ी देर हो गई पकते हुए, ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखिए इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है, बीच में टमाटर डाल दूंगी और फिर ऐसे आलू से इसको हम ढक देंगे और फिर से प्लेट लगकर इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब सब्जी को एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, इसको ढके थोड़ी देर हो गई है। ये देखिए हम ढक्कन हटाएंगे और एक बार इसको फिर से हिलाएंगे हम। सब्जी को मैंने एक बार हिला दिया ताकि टमाटर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। देखिए मैंने धनिया इसमें डाल दिया है और धनिया को भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब जो हमने पेस्ट बनाया था मटर अदरक लहसुन और काजू का, वो इसमें हम डाल देंगे। देखिए इसमें मैंने डाल दिया है। अब जो हमने मटर बचा के रखी थी उसको मैंने पानी में हल्का सा उबाल लिया है और उसको भी इसमें हम डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैं पानी डाल दूंगी और थोड़ी देर फिर से हम इसको ढककर रख देंगे और सब्जी को 1 मिनट के लिए हम पकने देंगे। अब ये देखिए इसको अच्छे से सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूंगी और उसको भी इसमें हम मिक्स करेंगे। और इसको फिर से हम ढक देंगे। ढककर गैस की फ्लेम को हम अभी भी कम रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही हम पकने देंगे। ये देखिए थोड़ी देर हो गया है, इसमें उबाल आ गया है। अब हमारी सब्जी रेडी हो गई है। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब इसको हम हिला देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी अब बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को निकाल लेंगे किसी बर्तन में। ये देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है और इसमें मैं सब्जी को निकाल लूंगी। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए दोस्तों अब मटर का तो सीजन चल ही रहा है तो हमें सीजन के अनुसार सारी सब्जियां खानी चाहिए। अलग अलग तरीके से सब्जियां बनाइए और सीजन की सब्जियों का मजा लीजिए। अब इसको हम धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी मटर और आलू की ऐसी टेस्टी सब्जी इस तरीके से बनाइए, आप सबको और आपके परिवार को यह सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।